नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। के आसपास हम अपना घर में टीवी देख रहे थे, उसी समय मुझे बाहर में दो तीन गन शॉट टाइप का कुछ आवाज, तो मुझे मिसेस ऊपर से आई हो रहा था कि बाहर में कुछ हो रहा है। तो हमने अपना कैमरा को चालू किया, सीसीटीवी को देखिए कि एक लड़का एक बाइक संजय स्टोर के पास खड़ी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ, तो बाइक को वहाँ स्टार्ट करके खड़ा रख दिया है। एक लड़का उसके ऊपर था और एक लड़का उतर के दो तीन बम हमारे घर पर मारा। लास्ट में एक बम वो हमारे दरवाजे पर मारा है, जिसे जो भी हो कि वो छोटा ग्रेनाइड टाइप का बोल दीजिए कि वो सीधे मारा तो हमारे घर दरवाजे पर लगा, जिससे हमारे घर की सारी शीशे दरवाजे के ऊपर जो है वो टूट गए। एक साइड चिटकनी टूट गई दरवाजे की, थोड़ा सा छज्जा टूट गया। ये मुझे बहुत भयभीत करने के लिए चक्कर, ये एक लेटर भी छोड़ के गए हम लोग अमन सिंह गैंग के नाम पर कि मैनेज कीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। लेटर कब छोड़ा गया था? लेटर आदि छोड़ा कि लाला के जैसे हुआ था वो आपके साथ भी होगा। प्रशासन की ओर से क्या अभी तक कार्रवाई? शासन लाला खान शासन प्रशासन प्रशासन हमारे लिए हमने एक सेकेंड उन्होंने हम फोन किया, विद इन 5 मिनट्स वो लोग आ गए हमारे पास। डीएसपी मैडम भी तुरंत एक्टिव है और हमने प्रशासन को बोला है भाई मेरे परिवार और मेरे जान माल की रक्षा किया जाए, तो हमने आवेदन दे दिया है, हो सकता है कि मुझे गार्ड प्रोवाइड हो जाए। फायरिंग की भी बात आ रही, फायरिंग हुई है, मुझे लगा कि वो गन शॉट था और हो सकता है गन शॉट नहीं हो। हम लोग तो घर के अंदर थे, सारे शीशा बंद थे, उसके बाद जब शीशा ऑन किए तब हमको लगा कि नीचे वो बम लगा के मेरे दरवाजे के पास। सीसीटीवी में दिखा क्या फायरिंग कुछ ऐसा? नहीं, सीसीटीवी में नहीं। हमको लगता हो सकता है वो बम ही हो, छोटा बम हो फिर बड़ा बम मारा हो। इससे पहले भी एक बम मेरे घर के सामने जिंदा रह गया था, उसके हमने पानी मार के फिर प्रशासन अपने पास साथ लिया। इससे पहले भी आपको धमकी मिल चुकी थी प्रशासन? सर, ये मेरी जिंदगी का, मेरी 50 साल उम्र हो गई है, न कभी कोई मतलब है, और जहां तक मुझे लगता है कोई करीबी दुश्मनी कर रहा है। अमन सिंह का नाम जो आ रहा है, ना उतने बड़े व्यापारी हैं, ना कोई मतलब दाल रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमारा नाम ही नहीं जानता होगा, वो सब बहुत आदमी थे। नहीं, हमको तो जिंदगी में सोच ही नहीं सकते। आपने पहले थाना वगैरह दर्ज करवाया था? हाँ, हमने 15 दिन पहले करवाया था, जिस समय हमको एक बार कॉल आया था। कॉल आया था? कॉल से क्या बोला गया था? बस खाली कॉल, हम कॉल में बात नहीं की, हमको खाली सिर्फ इतना बोला गया कि हम छोटू सिंह बोल रहे हैं अमन सिंह के तरफ गैंग से। हमने लाइन काट दिया और उसके बाद हमने उठाया। उस नंबर से दोबारा फिर कॉल किया गया था? नहीं। ये अभी तुरंत हमको सूचना मिला कि पतरास में हमारे मित्र हैं, हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त, तो उनके घर में बम फेंकने का एक कुछ लोगों ने किया है, कार्य को अंजाम दिया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आज तक कभी भी अपराधियों का इतना मनोबल ऊंचा नहीं था कि कतरास में जो आवासीय परिसर है, कॉलोनी है, बीच बाजार में है, जहां से थाना मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, इस तरीके का घटना को लोग अंजाम दिए हैं। अपराधी लोग निरंकुश होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन से मेरी आग्रह है कि इस पर अविलंब कार्रवाई करें और दोषी को तुरंत सजा दें और प्रभावित परिवार को सुरक्षा भी दें। और इसका हम लोग तीव्र मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का के घर पर करीब 10:15 बजे अज्ञात अपराधियों द्वारा बम फेंका गया है। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और दरवाज़ा का शीशा और सिटकिनी टूट गया है। कितने बम चलने की बात आ रही है? 3 बम चलने की बात हो रहा है। और कुछ धमकी वाली बात आ रही है सामने? पहले धमकी इनको मिला था, केस इसमें दर्ज है, हम संधान कर। कौन धमकी दिया था? अमन सिंह गैंग के नाम पर धमकी दिया गया। क्या धमकी में क्या बोला गया था? अमन सिंह से मैनेज करने की बात बोला गया है।
कितनी की रंगदारी मांगी गई थी? जो रंगदारी की चर्चा है कि रंगदारी मांगी गई थी, इसमें दिया गया कितना रंगदारी? बम बरामद भी हुआ सर? हाँ। कितने बम बरामद? एक बम बरामद हुआ। थैंक यू सर।